दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी टीजर ट्रेलर को लेकर डायरेक्टर राजू हिरानी का बड़ा बयान सामने आया है। डंकी को राजू हिरानी 2021 से शूटिंग कर रहे हैं, लगभग 2 साल इस फिल्म बनाते हो चुके हैं। डंकी को लेकर राजकुमार हिरानी कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर में शाहरुख खान जैसा एक्टर नहीं देखा। डंकी में शाहरुख ने अपने करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। वही दोस्तों, डंकी का क्रेज इतना ज्यादा हो चुका है कि फिल्म के एक पोस्टर ने ही तहलका मचा दिया था। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि डंकी को अमेरिका में 2000 से ज्यादा स्क्रीन मिल चुके हैं। दोस्तों, ये बात इशारा करती है कि डंकी के आगे सलार को भारी झटका लग सकता है। वही शाहरुख खान की डंकी का क्रेज और हाइप आसमान को छू रहा है। दूसरी तरफ सलार भी तैयार खड़ी है। वही दोस्तों, डंकी में सिनेमा अलग लेवल का देखने को मिलेगा। और खबर आई है कि ये फिल्म बॉलीवुड को बदल कर रख देगी। मक रही है, अब खबर आई है कि डंकी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी लॉक हो गई है। इसे पेन मरुधर ज्यादातर जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसी ने जवान को भी रिलीज किया था। वही वायारेफ भी डंकी भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर रिलीज कर रहे हैं। वही दोस्तों, सलार के इस क्लैश दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। वो KGF 2 के रोकी का 15 मिनट का कैमियो है, इसीलिए उनको डंकी से टक्कर लेने का कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़े स्केल पैमाने की फिल्म हैं और इस क्लैश से पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज हिल जाएगी। दोस्तों, शाहरुख खान की जवान और पठान जब रिलीज हुई थी तभी इतना बड़ा रिकॉर्ड बना गई है कि किसी से टूटना मुश्किल है। वही डंकी और सलार की ये लड़ाई फैंस वार में बदल चुकी है। दो बड़े फैन बेस आपस में भीड़ रहे हैं, एक तरफ डंकी तो दूसरी तरफ सलार। वही बॉयकॉट वाले भी सलार की तरफ हो चुके हैं। दोस्तों, डंकी और सलार के फैंस आपस में एक दूसरे से बुरा बुरा मीम्स बना रहे हैं और उनको रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि डंकी और सलार किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि डंकी या सलार कौन सी फिल्म आगे जाएगी।